इस वीडियो में कंप्यूटर जीके के वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं? सीपीयू को। किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर। ISP का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट प्रश्न, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र करता है और इसे इंटरनेट के माध्यम से किसी को भेजता है? तो उसे स्पाई बोट कहते हैं। मापन और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। फोरट्रान क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोरट्रान क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन कौन करता है? कौन करता है? इंटरप्रेटर। पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? तो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर करता है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड राबल्ट। EEP रोम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है? असेंबली लैंग्वेज। पहला वेब ब्राउजर क्या है? मोजेक। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। ऑफिस लैन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? वैन के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक कम्युनिकेशन चैनल पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर। स्वचालित संगठनों में किस बड़े ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं? बैच प्रोसेसिंग। MICR का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC। ASCII कोडिंग सिस्टम में विभिन्न वर्णों की संख्या कितनी है? 1024। MSIC का मतलब क्या है? इसका मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? इनकोडिंग कहते हैं। पहले कंप्यूटरों को किसका उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था? मशीनी भाषा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहा जाता है? वर्मा। एक कंप्यूटर वायरस है। कौन सा बटन अपर केस और लोअर केस में अक्षर और प्रतीकों को संख्या बनाता है? शिफ्ट। शिफ्ट की होता है वो प्रतीकों को संख्या बनाता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई क्या है? डॉट प्रति वर्ग इंच। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की स्विचिंग डिवाइस क्या है? VLSI। VLSI। यूनिट किप्स का उपयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? तो ये प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है। डॉस का अर्थ क्या है? डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। 1999 में
मेलिसा वायरस एक व्यापक रूप से प्रचारित था तो ईमेल वायरस के रूप में। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड दिया जाता है, तो कौन सा कमांड दिया जाता है, कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट का। प्रोग्राम में त्रुटि सुधार को क्या कहते हैं, उसको डिबगिंग कहते हैं। बीसीडी क्या है, बीसीडी क्या है, बाइनरी कोडेड डिमिसल, बाइनरी कोडेड डिसिमल। किस प्रकार का वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है, वर्म, एसएमटीपी, एफटीपी और डीएनएस क्या है, तो ये तीनों क्या है, लेयर एप्लीकेशन है। धन्यवाद।